आज की मुख्य बड़ी खबरें। एलानाबाद उपचुनाव में प्रत्याशी पवन बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी ने सभी प्रचारकों के नाम की सूची साझा की। हरियाणा के करनाल में एक युवक ने गाड़ी 6 लोगों पर चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि हादसे में एक महिला और पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रोहतक के नजदीकी गांव बलियाना में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। महिला समेत 2 लोगों ने झांसे में लेकर पीड़ित से 7,50,000 रुपए ठग लिए। इस संबंध में IMT थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। एलानाबाद उपचुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और JJP का विरोध गांव में पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान भाजपा नेताओं को गांव के दौरे पर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। शनिवार को यहां भाजपा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर किसानों ने उनका घेराव किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी तरह के एक अलग मामले में कोर्ट को गुमराह करने पर प्रेमी जोड़े पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बता दें कि चंडीगढ़ में प्रेमी जोड़े ने बर्तन में आग लगाकर 7 फेरे लिए थे। audiodeskamarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।